नाजरीन, आपका नव भारती परिवार में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश कक्षा 6 का चैप्टर 6, यानी द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, पहाड़ और गिलहरी की कविता है ये हम पढ़ेंगे। अब ये कविता किसने लिखी है? ये लिखी है R.W. Emerson ने। तो हम इनका कवि परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कहानी शुरू करेंगे। तो कवि परिचय पढ़ते हैं। R.W. Emerson वाज बोर्न ऑन May 25, 1803, यानी कि R.W. Emerson का जन्म 25 मई 1803 को बोस्टन में हुआ। ही वाज एन अमेरिकन, वो अमेरिकी थे। ही वाज एन एसेस फिलोसोफर एंड द पोएट आल्सो, वो क्या थे? निबंधकारक थे, दार्शनिक थे और पोएट आल्सो, और कवि भी थे। ही डाइड ऑन April 27, 1882, उनकी मृत्यु 27 अप्रैल 1882 को हुई। तो ये था इनका कवि परिचय। हम लेसन शुरू करते हैं। इस लेसन में पहाड़ और गिलहरी की कविता है। पहाड़ अपने आप को बड़ा समझता है और गिलहरी अपने आप को छोटा। तो बच्चों, सब जगह सबका अपनी अपनी जगह महत्व होता है। छोटी गिलहरी है तो उसका अपनी जगह महत्व है, पहाड़ बड़ा है तो उसका अपनी जगह महत्व है। तो ये कविता हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, पहाड़ और गिलहरी, हेडी क्वायरल का झगड़ा हुआ, पहाड़ और गिलहरी का झगड़ा हुआ। एंड द फार्मर कॉल द लेटर लिटिल प्रिग, और फार्मर किसके लिए कहा गया है? पहले वाले के लिए। और लेटर किसके लिए कहा गया है? स्क्वायरल, यानी कि बाद वाले के लिए। तो पहले वाला बाद वाले को, यानी कि पहाड़ गिलहरी को क्या समझता है? लिटिल प्रिग, एक तुच्छ प्राणी समझता है। तो बन रिप्लाइड, बन किसके लिए कहा गया है? स्क्वायरल के लिए। यानी गिलहरी ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम निसंदेह ही बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन जो चीजें हैं और जो मौसम, वेदर यानी मौसम, जो चीजें और मौसम है, मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, साथ साथ होनी चाहिए। टू मेक अप ए ईयर, एक वर्ष बनाने के लिए। एंड ए स्फीयर, एक ब्रह्मांड बनाने के लिए। तो बच्चों, छोटी छोटी जो चीजें हैं, चीजें और मौसम सभी तरह के मौसम मिलकर एक साल बनाते हैं। और जो चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें, सारी खूब सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है? एक ब्रह्मांड बनाती है। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, और मैं सोचती हूँ या मुझे लगता है कि टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मुझे लगता है कि मैं मेरे स्थान पे मैं अपमानित नहीं हूँ, मैं अपनी जगह सही हूँ, मुझे इसमें कोई दुख नहीं है कि मेरा स्थान छोटा है। गिलहरी कहती है पहाड़ से, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, लेकिन मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ तुम्हारी जितनी। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, लेकिन तुम इतने छोटे भी नहीं हो जितना कि मैं। आई विल नॉट डेनी यू मेक ए वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, तो एंड नॉट हाफ सो स्प्री, लेकिन तुम मेरा आधा भी नहीं हो, आधे भी फुर्तीले नहीं हो। गिलहरी क्या कहती है पहाड़ से कि मैं तुम्हारी जितनी बड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो। लेकिन और नॉट हाफ सो स्प्रे, लेकिन तुम मेरे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। आई विल नॉट डेनी यू मे ए वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, मैं मना नहीं करती हूँ कि तुमने एक वेरी प्रिटी यानी बहुत ही सुंदर गिलहरी ट्रैक रास्ता बनाया। मैं इस चीज़ से मना नहीं करती हूँ कि तुमने मेरे लिए यानी गिलहरी के लिए एक सुंदर रास्ता बनाया। टैलेंट्स डिफर, यानी कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रतिभाएं हैं। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्टेड ऑन माई बैक, नाइदर कैन यू क्रैक ए नट। उसने कहा है कि सबकी अपनी अलग अलग प्रतिभाएं हैं, सभी अच्छे हैं और सभी बुद्धिमान हैं, सभी समझदार हैं। इफ आई कैन नॉट कैरी, लेकिन यदि मैं जंगल को अपनी पीठ पे नहीं ढो सकती तो नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, लेकिन तुम भी एक अखरोट को भी नहीं तोड़ सकते। गिलहरी ने क्या कहा कि मैं इस चीज़ से मना नहीं करती हूँ कि मैं
तुम मेरे लिए रास्ता बनाते हो, लेकिन मैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रतिभाएं हैं, सबकी अलग अलग टैलेंट होता है सब में, तो सभी समझदार हैं और सभी बहुत ही अच्छे हैं, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन मैं एक जंगल को अपनी पीठ पे नहीं ढो सकती, लेकिन एक तुम भी क्या करते हो कि तुम भी एक अखरोट को नहीं तोड़ सकते। तो बच्चों सभी अपनी अपनी जगह, सबकी अपनी अपनी जगह स्थान होता है, चाहे कोई बड़ा हो तो बड़े का स्थान अपनी जगह है, कोई छोटा हो यानी कि जैसे गिलहरी तो गिलहरी का स्थान अपनी जगह है, तो इस तरह से दोनों में झगड़ा होता है। तो बच्चों ये थी हमारी कविता। अब हम इसको वापस से एक बार हिंदी में रिपीट करते हैं कि यहाँ पर एक पहाड़ और एक गिलहरी होती है, दोनों में क्या होता है, दोनों में झगड़ा होता है, तो उस झगड़े के अंदर क्या कहती है गिलहरी को, जो पहाड़ है वो क्या समझता है, एक तुच्छ प्राणी समझता है, क्या समझता है गिलहरी को, एक तुच्छ प्राणी समझता है, और वो जो गिलहरी है वो उत्तर देती है कि यहाँ पे जो ब्रह्मांड है, जो सभी चीज़ें होती हैं, सभी तरह के जो मौसम होते हैं, तो मौसम मिलकर क्या बनाते हैं, एक साल बनाते हैं, और जो चीज़ें होती हैं तो चीज़ें बनकर क्या बनाते हैं, एक ब्रह्मांड बनाते हैं, तो सब चीज़ों का अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व होता है, तो इस चीज़ में उनका सबका अपनी अपनी जगह महत्व होता है, लेकिन जो गिलहरी है वो पहाड़ से कहती है कि मैं अपना जो मेरा स्थान है मैं उसको छोटा नहीं समझती हूँ, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मुझे इसमें कोई अपमान महसूस नहीं होता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, और जो पहाड़ है वो उसको तुच्छ प्राणी समझता है। तो इसके बाद में वो गिलहरी उससे कहती है, किससे, पहाड़ से, क्या कहती है कि तुम मेरे जंगल को मेरे लिए एक रास्ता बनाते हो, क्या कहती है गिलहरी पहाड़ से कि तुम मेरे लिए रास्ता बनाते हो, मुझे इसमें कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए रास्ता बनाते हो, लेकिन क्या है कि मैं जो जंग इतना बड़ा पहाड़ है जो तुम उसको तुम जो पूरे जंगल को अपने पहाड़ को कि अपने उसके ऊपर ढो सकते हो, जंगल को अपने ऊपर ढो सकते हो, लेकिन तुम वो नहीं कर सकते जो कि मैं कर सकती हूँ, तुमने जंगल को उस पर ढो रखा है अपनी पहाड़ पे, लेकिन मैं अखरोट तोड़ सकती हूँ, पहाड़ को तो नहीं ढो सकती अपने कंधों पे, लेकिन मैं अखरोट तोड़ सकती हूँ, वो काम तुम नहीं कर सकते, तो क्योंकि सभी का अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व होता है। तो बच्चों इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि किसी को भी बड़ा या किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, सबका अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व होता है, बड़ा बड़े की जगह पर सही है और छोटा छोटे की जगह सही होता है। तो ये थी बच्चों हमारी एक छोटी सी कविता, अब हम उसके आगे पढ़ेंगे अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द। तो राइट द अपोजिट ऑफ विलोम शब्द क्या है, फॉर्मर, फॉर्मर का विलोम शब्द होगा लेटर। लेटर टुगेदर, टुगेदर का विलोम शब्द होगा अलोन। तो टुगेदर का हो गया अलोन, टुगेदर यानी साथ साथ, अलोन यानी अकेला। अब यहां पर है बिग, बिग यानी बड़ा, तो इसका अपोजिट होगा स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा। डिसग्रेस, डिसग्रेस यानी अपमान करना, तो सम्मान को क्या कहेंगे, रेस्पेक्ट, आर एस रेस्पेक्ट, डिसग्रेस यानी अपमान करना और रेस्पेक्ट यानी सम्मान करना। अब आगे हम पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ, यानी कि अब जैसे यहाँ दे रखा है स्क्वायरल, स्क्वायरल का होगा क्वायरल, क्यू यू आई डबल आर ईयर, क्वायरल ईयर, ईयर का, ईयर का होगा बियर, बी ई ए आर बियर। वेदर, वेदर का होगा राइमिंग वर्ड आइदर, दिस ग्रेस का होगा ग्रेस, ग्रेस। तो बच्चों ये था राइमिंग वर्ड और अपोजिट वर्ड, और आपको तो ये कविता समझ में आई गई होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब हम आपको
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।